हेलो दोस्तों, चलिए मिलकर बनाते हैं टेस्टी गरम समोसे। आलू हमने पीसेस में काट लिए हैं। मैदा हमने आधा किलो लिया है, उसमें हम आधा चम्मच सॉल्ट मिला देंगे। उसके बाद 3 से 4 चम्मच घी मिला देंगे। घी दोस्तों हमें मौन के लिए देना है, जिससे समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। उसको अच्छे से मिला लें। आटे को मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए दोस्तों, और उसको थोड़ा ड्राई डो बना लीजिए। देर के लिए ढककर रख दीजिए और आलू को थोड़ा उबाल दीजिए। अब एक पैन में 3 से 4 चम्मच तेल लेके उसमें जीरे डाल दीजिए और साथ ही साथ 1 चम्मच राई डाल दीजिए। उसको पकाने के बाद लाल मिर्च और धनिया डाल दीजिए। इसी के साथ साथ ये सभी मसाले एक प्लेट में लेकर सभी को एक साथ डाल लीजिए। इन मसालों को डालने के बाद 2 मिनट के लिए इन्हें मिक्स कर दीजिए और पका लीजिए। इसके बाद दोस्तों इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के 2 मिनट चला लीजिए, और फिर जितने भी बॉइल्ड आलू थे उनको इसमें डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों आलू मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा धनिया हल्दी पाउडर डाल लीजिए, और फिर उसको कवर करके 5 मिनट के लिए पका लीजिए। जैसे ही दोस्तों आपको लगे कि आलू पक चुके हैं और कट रहे हैं, तो गैस बंद कर दीजिए और लिड को रख दीजिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि समोसे कैसे असली शेप में बनाए जाते हैं। एक डो लीजिए और उसको रोटी के शेप में गोल बेल लीजिए और बीच से काट लीजिए। अब उस डो को लेके इसी तरीके से उसमें पानी लगा के एक कोन बना लीजिए। इस कोन में दोस्तों आलू भर लीजिए और उसको समोसे की शेप में पैक कर लीजिए। याद रखिए दोस्तों, पानी लगाकर अच्छे से पैक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तेल में तलते टाइम ये खुल सकते हैं। अब इन सभी समोसों को तेल में फ्राई कर लीजिए। दोस्तों आंच बिल्कुल धीमी रखिएगा, जिससे समोसे बहुत ही क्रिस्पी सेकेंगे। जैसे ही समोसे गोल्डन ब्राउन हो जाए उन्हें प्लेट में सर्व कीजिए। अब ये आपकी प्रेफरेंस है, या तो केचप या तो चटनी के साथ। देखिए दोस्तों कितने प्यारे कितने टेस्टी समोसे बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो एंजॉय करिए आज का ये स्नैक। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।